हेलो फ्रेंड्स, आज आप गल करांगे स्पाउस वीज़ा या स्पाउस ओपन वर्क परमिट। ये बेसिकली कैनेडा विच आप अप्लाई कर सकते हैं। ये की चीज़ हुंदी है, यह स्पाउस ओपन वर्क परमिट हुंदा है कि जदों अपना स्पाउस स्टडी बेस पे कैनेडा चला जाता है तो उन्होंने एक फैसिलिटी दी जाती है कि वो आपके स्पाउस नूं भी कैनेडा विच बुला सकता है। इस करके स्पाउस ओपन वर्क परमिट कहा जाता है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये LMI बेस्ड नहीं, मतलब इस इतने जो स्पाउस कैनेडा आ रहा है वो उत्थे आके कोई मर्जी काम कर सकता है, कोई पर्टिकुलर काम नहीं, कोई मर्जी काम कैनेडा आके कर सकता है, इसलिए इन्हें ओपन वर्क परमिट कहा जाता है। हूँ आप गल करेंगे अपन स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए कि ध्यान रखना पेगा। सब तो पहला एक जरूरी गल यह है कि सोडे स्पाउस जी कैनेडा बैठे ने उन्हों का रैगूलर स्टडी करना बहुत जरूरी है, उन्हों का रैगूलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वैसी इस चीज़ को चैक करती है कि भी बच्चा अपना स्टडी विच रैगूलर है कि नहीं है। दूसरी फॉरमोस्ट थिंग यह है कि वो ये चैक करती है वैसी कि सोडी मैरिज की ऑथेंटिसिटी की है, इसलिए सोडी मैरिज सबसटेंशिएट करने लिए दो तीन चीज़ों का बहुत जरूरी ध्यान रखना पैंदा। फस्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि सोडी मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए है, तुसी जदों ही मैरिज इंडिया करा ली उन्होंने रजिस्टर जरूर करवाओ ता कि सोडी स्पाउस वीज़ा मिलन च आसानी हो जाए। दूसरी गल, सोडा पासपोर्ट ते कोशिश करो पासपोर्ट अमेंड कराओ ते उत्थे स्पाउस नेम सोडा पासपोर्ट ते भी आ जाए। ये भी सोडे यह भी बहुत ही जरूरी पॉइंट है स्पाउस ओपन वर्क परमिट ते। तीसरा मेन एक पॉइंट अजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि तुसी सोशल मीडिया से पूरे एक्टिव रहो, सोडी मैरिज सोशल मीडिया से पूरी एक्टिव होनी चाहिए है। तुसी आपदे फेसबुक इंस्टा ते प्रॉपर पोस्ट पाते रहो, तो थोड़ी व्हाट्सएप चैट भी असी ने कई बार नाल लगा देने लाइफ पार्टनर की, तो इसलिए यह चीज़ा थोड़ी आपदे इंस्टा फेसबुक जिहड़ी जिहड़ी भी सोशल मीडिया साइट पर हो तुसी उन्हें पूरा एक्टिवेट रखो कि ता कि जो बेसिस असी आपदे ईवन SOP भी यही चीज़ें लिख देने हाँ भी जदों वैसे चैक करे कि उन्होंने लगे भी हाँ भी डैट इज़ दी ऑथेंटिक मैरिज। तो चौथा मेजर पॉइंट है भी तुसी हो सकता है तुसी मतलब आपका जॉइंट अकाउंट खुलवा लो, जॉइंट अकाउंट दोवें पार्टन का खुला लो तो उस रैगूलर चर्निंग होवे खाते च, ये भी एक छोटे ओपन वर्क परमिट मिले सू मदद करती है। तो दूसरी गल एक छोटा जो पार्ट लाइफ पार्टनर जो इंडिया है गया उन्होंने इतने उन्होंने चाहिए कि आपकी रैगूलर रिटर्न फाइल करता रहे, तो उन्होंने आपका कोई कोई उन्होंने किसी बिजनेस का या कोई भी किसी भी ऑक्यूपेशन चो आपके रैगूलर रिटर्न फाइल करे ता कि उत्थे जाके उस बेस का काम मिल जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट ये भी चीज़ देखती है भी वाकई ही बंदे कोई कैलीबर हैगा कि जोड़ा उत्थे आके काम कर सकूगा। हूँ यह चीज़ा ध्यान रखा तो आपको स्पाउस वर्क परमिट जरूर मिलेगा। हूँ आप गल करा यदि फीस कि है, यदि फीस है $100 तो यदि विजिटर वीजे की फीस है, $155 वर्क परमिट की फीस है, तो $85 अपनी होंगी है कि बायोमैट्रिक फीस, मतलब मोटा मोटा इन्हों की फीस होंगी है $340 फीस, यदि कैनेडियन डॉलर यदि फीस होंगी है। इसलिए तुसी जिन्होंने भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है तुसी सानू मिल सकते हो, साडी अकैडमी ऑफ स्ट्रक्चर लर्निंग दे ऑफिस जा सकते हो तो असी थोड़ा स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर देंगे। कोई भी क्वेरी है तो तुसी साडे उपर लिखे नंबर पर गल कर सकते हो। थैंक यू।